में अब बात उस बाहुबली की सबसे पहले करेंगे जिसकी सियासी बलि की कोशिश कई बार की गई लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वो जब जब हुंकार भरता है सियासी माहौल डरता है, वो भाषाओं की मर्यादाओं को लांघता है, उसके समर्थन उसकी एक आवाज पर कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और मारपीट मानो शगल बन जाता है। आज बाहुबली में बात खिमसर विधायक हनुमान बेनीवाल की। कहता है ना कि भागते भूत की लंगोटी और भूतनी की चोटी, तो गहलोत की तो लंगोटी भाग गया, पायलट आया नहीं, अब वसुंधरा की चोटी पकड़ के और अपने को वो मंत्र पढ़ना है जो हनुमान जी बालाजी महाराज का मंत्र है। इस बयान से ही आपको पता लग गया होगा कि बाहुबली बेनीवाल सियासत करते करते कैसे भाषाई आधार पर रसातल की तरफ जाते हैं और लोगों की तालियों के लिए हर मर्यादा को लांघते हैं। लेकिन मर्यादा लांघने के साथ साथ वो कानून को भी लांघते हैं। उन पर कितने मामले दर्ज हैं ये बताएं, उससे पहले इस बयान को ही सुन लीजिए। चुनाव के टाइम कानून हाथ के अंदर ले, आप बच्चे हो, ज्यादा बिगाड़ा कर देते हो। पिपाड़ जोधपुर के अंदर आपने वसुंधरा के रथ पे पथराव किया और पिपाड़ के अंदर तो वसुंधरा को रथ के अंदर छुपना पड़ा, झूठे मुकदमे बच्चों पे दर्ज हुए। मैंने यही कहा था कानून हाथ में मत लेना, लोकतांत्रिक तरीके से अगर हो विरोध कर देना, वैसे तो विरोध कर दिया, सभा फेल हो गई। तो क्या विधानसभा चुनाव की वजह से बेनीवाल बाहुबली की छवि को तोड़ना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, या फिर ये आग से पहले की चिंगारी है? इसको कहने के पीछे का मकसद भी समझ ले। हनुमान बेनीवाल की चार्जशीट क्या कहती है जरा देखिए। साल 1997 में लालकोटी थाना जयपुर में मामला दर्ज हुआ। फरवरी 1992 में एक और मामला गांधीनगर थाने में दर्ज हुआ। अगस्त 1996 में गांधीनगर थाने में मामला दर्ज हुआ। जून 1998 में पीडीपीपी एक्ट में मामला दर्ज हुआ। 2001 में एक और मामला दर्ज हुआ। 2014 में नागौर थाने में मामला दर्ज हुआ। 2014 में पीडीपीपी एक्ट में मामला भी दर्ज हुआ। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि इनमें से चार मामलों में बेनीवाल बरी हो चुके हैं, एक में अनुसंधान चल रहा है और एक में ट्रायल। वहीं 1997 में दर्ज मामले के अंदर बेनीवाल को 2012 में 3 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना लगाया गया था। वहीं जो मामले दर्ज हुए हैं उनमें दंगा कराने, हत्या कराने, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना, मारपीट करने जैसे मामले दर्ज हैं। बावजूद इसके बेनीवाल जनता के बीच में लोकप्रिय नजर आते हैं। खिमसर में कहा जाता है कि बच्चे बच्चे के पास बेनीवाल का फोन नंबर होता है और शायद यही वजह है कि 2008 में बीजेपी से चुनाव लड़े और खिमसर से जीत गए, 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़े और खिमसर से जीत गए। वहीं बीते 10 सालों में कई बार ऐसा हुआ कि बेनीवाल बीजेपी में जाने वाले हैं, कभी कहा गया कि तीसरा मोर्चा बनाने वाले हैं, कभी कहा गया कि कांग्रेस में जाने वाले हैं, लेकिन बेनीवाल की चाल और सियासी पलटवार बताता है कि इस बाहुबली पर सियासी नकेल कसना आसान नहीं, और जिस बाहुबली पर नकेल कस दी जाए वो बाहुबली ही किस नाम का। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।